सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को और नए वीडियोस की जानकारी पाइए सबसे पहले। सो आजकल एंड्रॉइड एप्लीकेशन सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। आपने देखा होगा एंड्रॉइड एप्लीकेशन में आपको तरह तरह के वीडियो एडिटिंग एप्स, फोटो एडिटिंग एप्स, या फिर चैटिंग एप्स जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन मिलते हैं जिन्हें आप अपने मोबाइल में बहुत आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यही एप्लीकेशन जो आपने अपने मोबाइल में यूज करा है वो आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम में यूज करना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये पॉसिबल है। आप बहुत ही आसानी से अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम में किसी भी तरह का एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे रन भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप सिस्टम में किस तरह एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे रन कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सारो आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप अपने मोबाइल में यूज करते हैं और एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में यूज करते हैं वो एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ऐसे में आप अगर किसी भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करते हैं तो वो रन नहीं होगा। तो इसके लिए आपको एक हेल्पर की जरूरत है, यानी आसान भाषा में कहें तो आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है जिसकी मदद से आप किसी भी कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में किसी भी तरह का एंड्रॉइड एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे एक्सेस कर सकते हैं। वैसे तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे तरीके मिल जाएंगे जिससे आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में किसी भी तरह का एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो और उसे रन कर सकते हो। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका बताऊंगा और फ्री तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में किसी भी तरह के एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, उसे रन कर सकते हो और यूज कर सकते हैं। तो चलिए ये सीखते हैं ये सब आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसका नाम है ब्लूस्टैक, जिसका लिंक आपको हमारे ब्लॉग पे मिल जाएगा। ब्लॉग का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। आप वहां पे क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर ले उसके बाद आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए हम इसे ओपन करते हैं। तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ टाइम लेगा, 2 से 3 मिनट का सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने के लिए। तो जैसे ये सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको सामने यहाँ पे वेलकम का स्क्रीन दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करते जाना है या फिर आप चाहे तो यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं इसे कट पे क्लिक करके। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर कहेगा लॉग इन विथ योर गूगल अकाउंट। जिस तरह आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर पे जीमेल की आईडी लॉगिन करते हैं उसी तरह आपको यहाँ पर भी जीमेल का आईडी लॉगिन करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एग्री पे क्लिक करना है। तो जैसे आप एग्री पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं इस पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद अब आपसे ये कहेगा कि आपको अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करना है। तो आपको यहाँ सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है जो भी आपका जीमेल अकाउंट का था। तो यहाँ पर मैं अपना ईमेल अकाउंट और पासवर्ड डालता हूँ। ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद अब आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो जैसे साइन इन कम्प्लीट हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पर एरो पे क्लिक करते जाना है और उसके बाद यहाँ पर कीप मी अपडेट पे क्लिक करके इसके बाद अब आपको यहाँ पर जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अपना नाम दे देता हूँ मनोज सारू। इसके बाद अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सेटअप है ब्लूस्टैक के लिए वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप चाहे तो इसे यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद आप जिस भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं यहाँ पर आप उसे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं व्हाट्सएप इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ व्हाट्सएप और उसके बाद मैं यहाँ पर सर्च मारता हूँ। तो जैसे आप सर्च मारेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको व्हाट्सएप मैसेंजर मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है मोर इन्फो पे क्लिक करना है। मोर इन्फो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे जिस तरह आपके मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में पूछता है एक्सेप्ट के लिए सेम आपको यहीं पर उसी तरह दिखाई देगा। तो यहाँ हम एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्सएप इंस्टॉल हो रहा है।
तो जैसे व्हाट्सएप कंप्लीट इंस्टॉल हो जाए तो आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पे भी व्हाट्सएप दिखाई देगा और इसके अंदर भी आपको व्हाट्सएप दिखाई देगा। उसके बाद आप चाहे तो इसे ओपन कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर अपना व्हाट्सएप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्री कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जो भी अपना फोन नंबर डालना चाहते हैं, अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर फोन नंबर डाल के अपना व्हाट्सएप अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप दूसरा एप्लीकेशन यूज़ करना है तो आपको होम पे जाना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है ऐप सेंटर पे जाके। अगर आप कोई गेम डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप गेम भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए बहुत सारे गेम मिल जाएंगे। फिर अगर आपको किसी भी तरह का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो वो भी आप यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको अगर कोई एप्लीकेशन चाहिए जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं और एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर उस एप्लीकेशन का नाम डालना है और सर्च पे क्लिक करके उसे इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद जो भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे आपको यहाँ पर वो एप्लीकेशन दिखाई देने लगेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि कितने आसानी से आप अपने कंप्यूटर पे लैपटॉप सिस्टम में ब्लूस्टैक सॉफ्टवेयर की मदद से किसी भी तरह के एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो और उसे रन कर सकते हो अपने यूज के लिए। तो ये सबसे अच्छा बेस्ट और फ्री तरीका है जिससे आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम में किसी भी तरह के एंड्रॉइड एप्लीकेशन को रन कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो और उसे यूज कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और अधिक मन में कुछ भी सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आपको मुझसे पर्सनली चेक करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। और अगर आप न्यू है और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उस पर सिंपली क्लिक करके आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर दबा के लेटेस्ट वीडियोज की जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।